रामपुर के गणेशपेट स्थित फ्लैगशिप कृष्णा ओयो होटल में देह व्यापार चल रहा था। शहर की गुंडी शाखा ने छापा मारकर कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। शहर के कई होटलों में धड़ल्ले से देह व्यापार का कारोबार हो रहा है। इसी श्रृंखला में गणेशपेट स्थित फ्लैगशिप कृष्णा होटल में देह व्यापार करते समय गुंडी शाखा ने छापामार कार्रवाई कर दो महिला और एक व्यक्ति दलाल को गिरफ्तार किया है। शहर के अधिकांश होटल आज के तारीख में इसी व्यवसाय से आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं तो शहर के अधिकांश होटल का कारोबार ठेके पर ओहो नामक कंपनी चला रही है। ओहो कंपनी होटल मालिक को मोटी रकम देकर होटल में देह व्यापार कराते हैं। देह व्यापार में दो पीड़ित लड़की को पुलिस ने आखिरकार छुड़ा लिया। देह व्यापार में लिप्तता पाई गई ये दोनों लड़कियों को आखिरकार पुलिस ने छुड़ाया। पहली लड़की ये अमृतसर पंजाब की है, जिसमें से एक लड़की यूपी फैजाबाद से बताई गई है। घर की माली हालात के चलते ये देह व्यापार करती थी। नागपुर के गणेशपेट पुलिस थाना के तहत आने वाले इस फ्लैगशिप कृष्णा ओयो होटल, इस होटल में बाहरी राज्यों से युवतियों को बुलाकर उनसे देह व्यापार किया जाता था, जिसकी भनक लगते ही पीएसआई अतुल इंगोले, स्मिता सोनो ने हेड कांस्टेबल मनोज सिंह, सामाजिक सुरक्षा विभाग अपराध शाखा के कई कर्मचारियों ने यह कार्रवाई की है। काल दिनांक 3/2/2020 रोजी आम्हाला गुप्त बातमी द्वारे माहिती मिळाली की गणेशपेठ हद्दीमध्ये फ्लॅगशिप कृष्णा ओयो हॉटेलमध्ये देह व्यापारचा व्यवसाय सुरू आहे। त्या अनुषंगाने आम्ही बोगस ग्राहकांना पाठवून रेड कारवाई केली। त्या दरम्यान दोन मुलींची त्या ठिकाणी सुटका करण्यात आली। एक मुलगी पंजाबची होती आणि एक मुलगी यूपीची राहणारी होती। तर त्या ठिकाणी जो लोकल दलाल आम्हाला सापडला त्याचे नाव आहे पिंटू उर्फ किशोर भीमराव कांबळे, राहणार नागपूर। याला आम्ही ताब्यात घेतले। ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला आम्ही सविस्तर चौकशी केली या गुन्ह्याची की हा जे रॅकेट आहे हे कसे चालते। तर त्याने आम्हाला सांगितले की त्याचा जो मोरक्या आहे किंवा मास्टर माइंड आहे त्याचं नाव रेहान उर्फ रमजान पठाण, नेवासा जिल्हा अहमदनगरचा राहणारा आहे। तो मोबाईलद्वारे म्हणजे जे ग्राहक आहे, ग्राहक ह्या लोकल दलाला मोबाईलद्वारे संपर्क साधतात आणि हा जो दलाल आहे हा रेहान जो याचा मुख्य सूत्रधार आहे ह्या सेक्स रॅकेटचा, रेहान उर्फ रमजान पठाण याला मोबाईलद्वारे संपर्क साधतो आणि त्याच्या गरजेनुसार रेहान जो मास्टर माइंड आहे तो त्याला मोबाईलवर त्याच्या व्हॉट्सअपवर मुलींचे फोटो सेंड करतो आणि इथला लोकल दलाल ग्राहकांना त्यांच्या मोबाईलवर त्या मुलींचे फोटो सेंड करतो। ग्राहकांनी मुली निवडल्यानंतर रेहान जो आहे हा ओयो हॉटेल ऑनलाईन बुक करतो आणि हे लोकल दलालाच्या माध्यमातून हा असा व्यापार चालू असतो आणि जे पैशाचा व्यवहार आहे तर हा लोकल दलाल रेहानच्या मोबाईलवर जे आहे गुगल पेद्वारे किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे पैसे पाठवतो। आए दिन शहर में अधिकांश हॉटेलों में इस प्रकार का देह व्यापार का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। पुलिस को इसकी भनक भी नहीं और जहां पुलिस को इसकी भनक लगती है तो पुलिस आरोपियों को धर दबोचने में कतई देर नहीं लगाते। नागपुर के गणेशपेट ओ होटल से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज नागपुर।